अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 का ही नेक्स्ट लेक्चर है, क्योंकि ये एक्सरसाइज काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है और ज़रा जो बच्चे प्री 9 से 9 में कन्वर्ट होकर आते हैं उनके लिए थोड़ी सी हार्ड होती है। इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं तमाम क्वेश्चंस आपको बोर्ड पे ही करवाऊँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आपने यहाँ से बोर्ड से ही कॉपी करके अपने कॉपी पर अपनी नोटबुक पर लिखना है और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपके सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। आज मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट सेलेक्ट किए हैं और क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है। तो बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट्स हैं, वो इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, इवेल्युएट। इवेल्युएट का मतलब क्या है कि एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है (x³y - 2z)/(xz) और (x,y,z) की वैल्यूज भी गिवन है, तो (x,y,z) की वैल्यूज इसमें पुट करनी है और फिर इसको कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई करना है। अगर इतना आसान है, लेकिन उसके बावजूद आपने बेशक साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना है, लेकिन आपने बीओडी मैथ्स वाले रूल्स को जरूर अप्लाई करना है। यानी पहले आपने बीओडी मैथ्स में क्या होता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन है, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन, लेकिन कैलकुलेशन के लिए आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। देखें, पुट (x=3, y=-1, and z=-2) इन द गिवन एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन दी है और (x,y,z) की वैल्यूज गिवन है, वो उस एक्सप्रेशन में पुट कर दें। x की जगह आ गया 3³, y की जगह आ गया -1, -2 × z की जगह आ गया -2, डिवाइडेड बाय x की जगह आ गया 3 और z की जगह आ गया -2। अब वही कि बीओडी मैथ्स के मुताबिक पहले ब्रैकेट्स, फिर उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एक्सेट्रा। तो पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3³ लेंगे 27 × -1 वैसे आ गया, (-+2)^4 और नीचे (±)(-3)^6। अब 27 को -1 से मल्टीप्लाई किया, (-27)+4 वैसे आ गया, नीचे -6। अब (-27)+4 करेंगे तो (-23)/(-6), (-) से कैंसिल हो गया, (23)/6 और फिर इसको मिक्स नंबर में आंसर निकाल के 3 होल नंबर 5/6। अब ए का जो सेकंड पार्ट है वो खुद कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 का ही बी पार्ट, एक्सप्रेशन दी हुई है (x²y³ - 5z)^4 / (x,y,z)। अब यहाँ पे भी (x,y,z) की वैल्यूज डिफरेंट है। पुट (x=4, y=-2, z=-1) इन द गिवन एक्सप्रेशन, कि जो एक्सप्रेशन दी है उसमें जो (x,y,z) की वैल्यूज दी हुई थी वो पुट कर दें। (x²) की जगह आ गया 4² (y) की जगह आ गया -2³ - 5 × z की वैल्यू है -1 / 4 डिवाइडेड बाय (x,y,z) यानी x की जगह आ गया 4, y की जगह -2 और z की जगह -1। अब अगेन जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो बीओडी मैथ हो, 4² 16, (-2³) लेंगे तो -8, -5 ऐसे आ गया और -1 / 4 लेंगे तो वो आ गया 1। एक बात याद रखनी है, जब कभी भी नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो आपने कैलकुलेटर में ब्रैकेट में माइनस वैल्यू लिखनी है, फिर उसकी पावर लेनी, तब आंसर ठीक आएगा। अगर आप बगैर ब्रैकेट के करेंगे तो आपका साइन का इशू आ जाएगा। लिहाजा जब भी आपने नेगेटिव वैल्यू की पावर लेनी हो तो कैलकुलेटर में पहले ब्रैकेट्स बनाएं, फिर नेगेटिव वैल्यू लिखें और फिर उसकी पावर लेंगे तो आपको एक्यूरेट आंसर मिले। अब 16 × -8 - 128 - 5 × 1 - 5/8 -120 - 5 को ऐड किया -133 डिवाइडेड बाय 8 और फिर आंसर मिक्स नंबर में -16 होल नंबर 5/8। नाउ कम टू पूरा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट दिया है। ये भी आप जो 7 और 8 में अगर आप पढ़ के आए हैं तो वहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एलसीएम कैसे लेते हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट लेके करते हैं। ये भी आपको याद रखना होगा कि अगर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या कोई दो रैशनल नंबर्स हों, अगर उनका डिनोमिनेटर सेम हो तो भी उसका एलसीएम नहीं लेते, उस डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिखते हैं और न्यूमरेटर का ऑपरेशन करते हैं, अगर प्लस है तो प्लस करते हैं, माइनस तो माइनस करते हैं। और अगर दोनों डिनोमिनेटर वैल्यू डिफरेंट है तो उनका प्रोडक्ट जो होता है वो उसका एलसीएम होता है, फिर उसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे,
पार्ट वन 15/2x-3y-4/3y-2x। अब यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ने से अंदाजा हो जाता है कि इन दोनों के डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है लेकिन साइन फर्क आ रहा है, यानी यह है 2x-3y और यह है 3y-2x। अगर इनका डिनोमिनेटर सेम होता तो फिर हमने एलसीएम नहीं लेना था और एलसीएम के झंझट से बच जाते। इसका मतलब है हम इसमें ऐसा कोई सिस्टम चलाते हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। उसका बहुत आसान तरीका है, मिसाल के तौर पे अगर ये है x-2y, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन कर लूँ तो क्या होगा, जो नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा 2y-x। यानी अगर किसी भी दो वैल्यूज या तीन वैल्यूज या थ्री टर्म फोर टर्म जितनी मर्जी टर्म्स हों, अगर हम उसमें से माइनस कॉमन कर लें तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाती है और पॉजिटिव नेगेटिव, यानी अंदर वाली वैल्यूज के साइन चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखें 2x-3y या 3y-2x, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन कर लूँ तो ये +2x हो जाएगा और ये -3y, जो कि सेम इस डिनोमिनेटर के इक्वल आ जाएगा। तो वही करेंगे ताकि हमें एलसीएम ना लेना पड़े। 15/2x-3y-4/, अब इसमें से मैंने माइनस कॉमन कर लिया तो इसका ऑर्डर भी चेंज हो गया और साइन भी चेंज हो गया, यानी -2x था ये +2x हो गया और ये +3y था ये -3y हो गया। अब ये भी आपको पता है कि दो टर्म्स के दरमियान हमेशा एक साइन होना चाहिए, अगर दो साइन है तो उसका प्रोडक्ट लेके उसको सिंगल साइन में कन्वर्ट कर दें। 15/2x-3y ऐसे आ गया, -- प्लस हो गया, 4/2x-3y, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, लिहाजा एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, डिनोमिनेटर को एक दफा लिखेंगे। 2x-3y = 15+4 = 19/2x-3y आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, 1+2x/(1-2x) - 1-2x/(1+2x). अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं हो सकते और ना ही माइनस कॉमन करने के बाद बनेगी, क्यों, क्योंकि ये है 1-2x, तो मैं माइनस कॉमन भी कर लूँगा तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, लिहाजा अब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 1-2x/(1+2x) का एलसीएम क्या होता है, आसान तरीका होता है कि दोनों वैल्यूज का प्रोडक्ट ले लो, 1-2x/(1+2x) प्रोडक्ट हो गया। अब देखिए 1-2x, 1-2x सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, 1+2x को 1+2x से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि जब एक ही नंबर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसको हम लिख सकते हैं होल स्क्वेयर, लिखेंगे 1+2x का होल स्क्वेयर माइनस, इसी तरह 1+2x, 1+2x से कैंसिल हो गया, 1-2x को 1-2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1-2x का होल स्क्वेयर। ये आ गया 1+2x होल स्क्वेयर - 1-2x का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1-2x * 1+2, यानी नीचे a+b और a-b, यानी एक दफा माइनस है एक दफा प्लस, तो इसका फंडा बन जाएगा a² - b²। तो ये पहले डिनोमिनेटर में देख लें, ये हो गया 1 का होल स्क्वेयर - ये हो गया 2x का होल स्क्वेयर। अब ऊपर सॉल्व करने के आगे बेशुमार तरीके हैं, आपको कहा मैं इजी मैथ का एग्जाम जो पढ़ा रहा हूँ तो इजीएस्ट तरीका आपको बता रहा हूँ। अगर आप एक्सरसाइज 4.2 को दोबारा देखेंगे खोल के, उसमें एक फार्मूला थे a+b² + a-b² = 2×a² + b² और दूसरा था a+b² - a-b² = 4ab। वो फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं, क्योंकि देखें a+b² - a-b² = 4ab, इसलिए आपने यहाँ साइड में लिख लेना है सिंस a+b² - a-b² = 4ab होता है। इस फॉर्मूले की वजह से हम इसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब कैसे, अब देखें a में आ रहा है 1 और b में आ रहा है 2x,